हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टोपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ की साइंस का चैप्टर नंबर 11, ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे आप जो है ऊपर आई का जो है पिक्चर देख सकते हैं क्या क्या होता है इसमें। रेटिना होता है, दृष्टिपटल जिसे कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट होता है, ऑप्टिक नर्व, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, प्यूपिल, कॉर्निया, आयरिस और आई लेंस। ठीक है, तो इन्हीं सबको जो है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, क्या काम होता है इनका। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मानव नेत्र की, ह्यूमन आई की। तो यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। मतलब नेत्र क्या है, एक हमारी आँख क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने के योग्य बनाता है। फिर पूछ सकते हैं नेत्र कहाँ स्थित है, तो यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। इस आई बेल का जो व्यास होता है, डायमीटर पूछा जा सकता है नेत्र गोलक का, तो 2.3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, व्यास होता है। ठीक है, आगे दिए गए हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई कि ह्यूमन आई में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले दिया श्वेत मंडल मीन्स कॉर्निया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वाइट वाला पार्ट है ये क्या है, कॉर्निया है, श्वेत मंडल है। तो ये देखिए, यह नेत्र के अग्र भाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो ये क्या है, एक आउटर मोस्ट और ट्रांसपेरेंट पार्ट है आईज में, और ये क्या प्रोवाइड करता है, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कौन प्रोवाइड कर रहा है, कॉर्निया। ठीक है, याद रख ली अपवर्तन। उसके बाद है लेंस। तो देखिए, यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है, जो लेंस दिया गया है क्रिस्टलीय लेंस। यह एक रेशेदार जेली युक्त पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। तो देखिए, लेंस क्या होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइबरस। किसका बना होता है, फाइबर्स का, जेली लाइक मटीरियल। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड द फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। किस पर करता है फोकसिंग, रेटिना पर। कैसी इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज को फोकस करता है। दिस इज कन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्ज लाइट एट रेटिना। क्या होती है, उत्तल लेंस होती है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करती है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित कौन करता है, तो लेंस करता है, उत्तल लेंस। आगे है प्रीतारिका मीन्स आयरिस। प्रीतारिका आप देख सकते हैं, ये दिखाया हुआ है इसमें, तो ये क्या है, आयरिस। इसका काम क्या है, कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये कॉर्निया था श्वेत मंडल, तो इसके पीछे है जो, वो है प्रीतारिका, या इसे बोलेंगे आयरिस। ये क्या करता है, कॉर्निया के पीछे जो एक पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, साइज ऑफ द प्यूपल, उसे साइज ऑफ द प्यूपल, उस पुतली का जो आकार होता है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, प्रीतारिका, आयरिस का है। फिर बात आती है पुतली की। पुतली आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो प्यूपिल क्या होती है, विंडो ऑफ द आई होती है, और इट इज अ सेंट्रल अपर्चर इन आयरिस, इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आइन। ठीक है, जो भी प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करने का काम किसका है, पुतली का है। आगे जो टर्म है वो है रेटिना। रेटिना क्या है, यह एक कॉमन सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में जो है पाई जाती। तो यहां पर आप रेटिना देखेंगे तो कहां पर है, ये रहा रेटिना, दृष्टि पटल। ठीक है, ये है रेटिना। यहाँ पर क्या है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जो हैं वो अधिक पाई जाती हैं, सेंसिटिव जो सेल होती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जो हैं वो कैसी हो जाती, सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा, ये जो सिग्नल वो सक्रिय मतलब सक्रिय होने पर जो सिग्नल पैदा करती है, ये सिग्नल जो होते हैं वो दृक तंत्रिकाओं द्वारा कहाँ तक पहुँचा दिए जाते हैं, मस्तिष्क तक पहुँचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, ये याद रखिए।
आगे है फार पॉइंट, क्या है? दूर बिंदु, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता, मतलब किसी चीज को हम स्पष्ट देख पाते हैं जितनी दूर तक, वो क्या कहलाता है? उसका फार पॉइंट, फोर लिखा हुआ है यहाँ पे, फार पॉइंट आएगा, दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। फिर बात आती है नियर पॉइंट की, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे निकट बिंदु कहा जाता है। किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आंख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, और इसे सुस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है समंजन समता, मीन्स एकोमोडेशन। अभिनेत्र लेंस की वह समता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, क्या कहलाता है? समंजन कहलाता है। मीन्स द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, आई लेंस की जो एबिलिटी होती है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, वो क्या कहलाती है? अकोमोडेशन कहलाती है, समंजन कहलाती है। ठीक है, लेंस की वक्रता पक्षमाभि पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है, मतलब जो फोकल लेंथ होती है वो किसके द्वारा चेंज की जाती है? विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। ठीक है, पक्षमाभि कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित की जाती है। चलिए यहां पे दिया गया है पक्षमाभि पेशियां जो हैं अगर शिथिल हैं, ठीक है, मींस रिलैक्स्ड हैं, तो वो जो लेंस होता है वो कैसा होता है? पतला हो जाता है, मीन्स लेंस जो है यहाँ पे थिन हो जाता है अगर पक्षमाभि में जो सिलियरी मसल्स है हमारी अगर वो रिलैक्स्ड हैं तो। और यहाँ पर जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी हो जाती है? इनक्रीज हो जाती है। अगर पक्षमाभि पेशियाँ सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्टेड हैं, तो यहाँ पर लेंस कैसा हो जाता है? थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, और जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिए। आगे है दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। ठीक है, कुछ दृष्टि दोष होते हैं जैसे मायोपिया हो गया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इस तरीके से। सबसे पहले जैसे यहाँ पे दिया है मोतियाबिंद, मोतियाबिंद सबने सुना होगा। अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो दूध या तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं, और इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। ठीक है, और मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद जो है दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। ओके, फिर है निकट दृष्टि दोष, मीन्स मायोपिया, नियर साइटेडनेस। इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर रखी वस्तुओं, मतलब कोई व्यक्ति है अगर उसे निकट दृष्टि रोग है तो अगर उसके पास कोई चीज़ रखे तो वो इजीली उसको देख सकता है, लेकिन दूर वाली वस्तु को वो नहीं देख सकता है। ये है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ठीक है, दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, या फिर नेत्र गोलक का लंबा होना, मींस आई बॉल जो होती है उसका लंबा होना, या फिर अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होने का मतलब है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मतलब जिसे निकट दृष्टि और दोष होता है उसे कौन सा लेंस जो है यूज करना चाहिए? कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस, अवतल लेंस का जो है प्रयोग करना चाहिए अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है कि वो दूर की चीजें नहीं देख पाता, तो दूर की चीजें देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है दीर्घ दृष्टि दोष की। ये क्या है? हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। ठीक है, दीर्घ या दूर दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है, लेकिन निकट रखी वस्तुओं को अच्छे से नहीं देख पाता है। ऐसे दोष व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है वो सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है। इस दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। निवारण क्या है? मतलब दूर दृष्टि दोष में हम दूर की चीज़ें देख पाते हैं, लेकिन जो पास की चीज़ें होती हैं वो नहीं देख पाते हैं। तो पास की चीज़ों को देखने के लिए हम किस लेंस का यूज़ कर रहे हैं? उत्तल लेंस का, कन्वेक्स लेंस का जो है यहां पर यूज किया जाएगा। किसके लिए? हाइपरमेट्रोपिया के लिए। ठीक है,
फिर एक और सिचुएशन आती है जिसे कहा जाता है जरा दूरदर्शिता, इसको बोला जाता है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया या फिर प्रेस बायोपिया भी बोलते हैं इसको, जरा दूरदर्शी, इसको क्या बोलते हैं, PRES प्रेस बायोपिया या फिर ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में जो समंजन क्षमता होती है वो क्या होती है, घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है और इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। कारण क्या है, यह पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। निवारण क्या है, उत्तल लेंस का यूज कर सकते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए प्राय द्विफोकसी लेंसों की आवश्यकता होती है। उसमें क्या होता है, ऊपरी भाग अवतल लेंस का होता है और निचला भाग जो होता है उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का क्या लाभ है, इससे हमें त्रिविम चाक्षुकी यानी कि थ्री डायमेंशन विजन का लाभ मिलता है। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और हम धुंधली चीजों को जो है देख पाती हैं। ठीक है, चलिए आगे दिखाया गया है प्रिज्म से प्रकाश अपवर्तन। तो देखिए प्रकाश अपवर्तन क्या होता है, प्रिज्म के दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। मतलब किसी भी प्रिज्म में क्या होता है, एक पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास हो जाता है जहाँ पे दो ट्रायंगुलर बेस होते हैं और थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं। ओके, और दो पार्श्व फलकों के बीच को कोण को जो एंगल होता है बिटवीन टू एडज्वाइनिंग लेटरल सरफेस के बीच का जो ये बनता है ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, तो ये एक प्रिज्म है और दो इनके बीच का जो एंगल बनेगा लेटरल सरफेस के बीच का वो क्या कहलाएगा, प्रिज्म कोण यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। ठीक है, आगे आता है एक विचलन कोण होता है। विचलन कोण मींस एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे डी से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इसमें क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, और निर्गत किरण मीन्स इमरजेंट रे जो होती है उनके बीच का जो एंगल बनता है ना वो होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आप देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर क्या, नहीं सॉरी, इंसिडेंट रे, और ये है निर्गत किरण मीन्स इमरजेंट रे। तो इनके बीच का जो कोण आएगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं बन रहा है, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा, विचलन कोण। ठीक है, आगे है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। देखिए सूर्य का जो प्रकाश है, जो जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश, ठीक है, व्हाइट लाइट होती है ना, तो जब इसका प्रकाश जो है प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को सात रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है, और ये सात रंग होते हैं बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। तो वो इस तरीके से करता है, तो वी से आर मतलब नीचे शुरू से होता है विग्योर होता है ना, ठीक है, सबसे पहले बैंगनी और सबसे ऊपर जो है वो रेड होता है। ठीक है, और इस प्रकार के वर्ण को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहा जाता है, और प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन को क्या कहते हैं, विक्षेपण कहा जाता है। ओके, इसको क्या बोला जाएगा, विक्षेपण बोला जाएगा। चलिए आगे, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला क्या है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो ये क्वेश्चन आता है, ये याद रखिए, सूर्य की विपरीत दिशा में बनेगा हमेशा इंद्रधनुष। जल की सूक्ष्म बूंदे छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती है। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदे अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं, अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के प्रक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुँचते हैं। ठीक है, अगला देखिए, विपग्योर आपके वर्ण कर्मों को याद रखने में सहायता करेगा। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। लाल जो कलर है ये सबसे कम झुकता है, और जो बैंगनी कलर है वो सबसे
अधिक झुकता है, तो ये पूछा जा सकता है कौन सा कलर कम झुकता है और कौन सा ज़्यादा होता है। तो ये कुछ इस तरीके से डेविट होके आता है, ठीक है। विबग्योर, वायलेट सबसे नीचे और रेड वाला ऊपर। आइजक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया था। एक समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण जो थे नहीं मिल पाए। फिर इन्होंने एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म, पहले प्रिज्म मतलब उस जैसा ही प्रिज्म जो था उसके सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। इससे न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है, ठीक है। तो पूछ सकते ना कि आइजक न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाला था। आइजक न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला जो सूर्य का प्रकाश है वो किससे मिलकर बना है, 7 रंगों से, 7 वर्णों से मिलकर बना है, ठीक। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण यानी कि जो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है उसके कारण सूर्य में वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पहले पश्चात तक दिखाई देता रहता है। ये किस कारण होता है, ये क्वेश्चन देते हैं वो कि ऐसा क्यों होता है कि सूर्य हमें 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। तो ये होता है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। सेम देखिए, तारों की आभासी स्थिति, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसकी क्रमिक प्रवृत्ति अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका रहता है। अतः क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये भी अपवर्तनांक। आगे है वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। इसके प्रभाव क्या है, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, अग्रिम सूर्योदय विलंबित सूर्यास्त ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर परिवर्तित होना अपवर्तन के कारण, गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तित होना ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव है, ठीक है। आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु को तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होती है, इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तक माध्यम की भौतिक अवस्था स्थिर नहीं होती, इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। तारों का टिमटिमाना, दूर स्थित तारा में प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है, क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। आगे है प्रकाश का प्रकीर्णन, तो प्रकाश का प्रकीर्णन मींस स्कैटरिंग इफेक्ट। ये क्या है, स्कैटरिंग इफेक्ट क्या होता है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन, लाइट को स्प्रेड करना अलग अलग डायरेक्शन में बाय कोलाइड पार्टिकल्स, ये क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो इसमें एक टिंडल इफेक्ट था, तो देखिए टिंडल इफेक्ट क्या है, जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कण जैसे धुआं जल की सक्षम में, देखिए कभी आपने देखा हो कि कोई अंधेरा कमरा है, ठीक है, उसमें से जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो उसमें आप धूल जैसे कण देख पाते हैं, ठीक है, वही क्या है, वही टिंडल इफेक्ट है, ओके। तो ये बताया भी है इसने, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव। उदाहरण आप देख सकते हैं, जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो हम टिंडल प्रभाव देख पाते हैं, जो वो धूल के कण देख पाते हैं कि जैसे धूल सी है उसमें, वो क्या है, टिंडल इफेक्ट है। जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो भी टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे दिया गया है रेलिग का नियम, प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग 1/ मतलब वेवलेंथ के बराबर दिया गया है, ये 1/ वेवलेंथ होता है, ठीक है। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्णन प्रकीर्णन न करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं, बड़े आकार के कण अधिक तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं, और यदि प्रकीर्ण करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। आगे कुछ क्वेश्चन दिए कि खतरे का जो संकेत होता है वो लाल ही क्यों होता है, व्हाई डेंजर साइन आर मेड ऑफ रेड कलर, क्यों, क्योंकि खतरे के संकेत का प्रकाश रंग होता है, लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णन होता है, लिस्ट स्कैटर्ड होता है ये बाय फोग एंड स्मोक, इसलिए यह दूर से देखने पर भी हमें क्या होता है, दिखाई देता है, अगर हम लॉन्गर डिस्टेंस से देखेंगे तो भी हमें ये दिखाई देगा, ठीक है। आगे रीजन क्या है,
कम मतलब लिस्ट स्कैटर्ड होता है ये बाय फोग एंड स्मोक. स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? वाई द कलर ऑफ स्काई अपियर्स ब्लू ऑन ए क्लियर डे. तो देखिए वायुमंडल में वायु के अण तथा अन्य सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा छोटा होता है. ये कण कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी हैं. लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुनी है. अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं. प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है. ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों का आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है, मतलब जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वो सही नहीं होती है इस वजह से. ठीक है. बादल सफ़ेद क्यों प्रतीत होते हैं? बादल सूक्ष्म पानी की बूंदों से बने होते हैं. सूक्ष्म बूंदों का आकार दृश्य किरणों की तरंग दैर्ध्य की सीमा से अधिक है, इसलिए जब श्वेत प्रकाश इन कणों से टकराता है तो सभी दिशा में परिवर्तित या प्रकीर्णित हो जाता है. क्योंकि श्वेत प्रकाश के सभी रंग परावर्तित या प्रकीर्णित अधिकतम समान रूप से थे, इसलिए हमें श्वेत रंग ही दिखाई देता है. ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफी नजदीक होते हैं, इसलिए इसे प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है. यदि ग्रह के प्रकाश के बिंदु स्रोतों का संग्रह मान तो प्रत्येक स्रोत द्वारा हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा, जिसके कारण ग्रह टिमटिमाते नहीं है. ओके, क्वेश्चन देखिए. मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, मीन्स द इमेज फॉर्म्ड रेटिना ऑफ ह्यूमन आई. तो पढ़ा था कैसा होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड. अगला है, मानव नेत्र में लेंस की फोकस दूरी परावर्तित होती है, मीन्स द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज्ड ड्यू टू. तो किसके द्वारा होती है ये चेंज्ड? ये होती है सिलियरी मसल, जो हमारी पक्षमाभि पेशियां थी उसके द्वारा. ठीक है. किसी सामान्य वयस्क के लिए सुस्पष्ट मतलब इसमें जो है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन पूछा गया है, तो ये भी हमने पढ़ा था. कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है. वेट नहीं, एक ओके 25 सेंटीमीटर होगा. यहाँ पे एक ऑप्शन में गड़बड़ हो रखी है, 25 सेंटीमीटर आएगा ये. ठीक है. रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब का स्थायित्व कितने समय तक है? द परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर ह्यूमन आई. तो राइट आंसर हो जाएगा 1/16 सेकेंड. ठीक. रेटिना में उपस्थित प्रकाश संवेदी कोशिकाओं का नाम है, द लाइट सेंसिटिव सेल ऑफ रेटिना विच आर सेंसिटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो क्या नाम है उनका? तो राइट आंसर होगा रॉड कोशिका, रॉड्स. खैर अगला देखिए, जब प्रकाश मानव नेत्र के लेंस से गुजरता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो जब प्रकाश मानव नेत्र के लेंस से गुजरता है तो प्रक्रिया होती है अपवर्तन की. ठीक है, अपवर्तन आ जाएगा. अगला है, निम्न में से कौन सा रंग धुंध धुएं तथा धूल के द्वारा सबसे कम प्रकीर्णित होता है? तो वो है रेड कलर, लाल रंग. प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है? तो सबसे ज्यादा कौन सा अपवर्तित होता है? बैंगनी कलर. और सबसे कम कौन सा प्रवर्तित होता है? रेड कलर. ठीक है. मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको नियंत्रण करती है पुतली. ठीक है. मानव नेत्र का मानव नेत्र का कौन सा भाग उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश का अपवर्तन करते हैं? यहाँ पे मिस्टेक है, अपवर्तन करता है. तो कौन करता है? श्वेत मंडल, कॉर्निया. बिल्कुल हमने फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ा था वही. ठीक है. तो ये था चैप्टर नंबर 11. थैंक यू सो मच.